Good evening everyone. Now in this video I have to continue our legislature part, and in this video I have to describe you about the legislative procedure. Okay, number first, bill introduced in the legislature, जो bill introduce किया गया है legislature के अंदर वो classified किया जाता है as ordinary bill, money bill. ठीक है, तो इसके अंदर हम money bill और ordinary bill के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? विच आर कंसर्न विद एनी मैटर इधर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट. फाइनेंशियल मैटर को छोड़ के जो और कोई मैटर होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल के अंदर आते हैं. ठीक है, उसके बाद आती है बात मनी बिल की. मनी बिल कौन सा होता है? विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन. ठीक है, उसके बाद आता है अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया अभी हल्का हल्का इसका बेस कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है. अब हम ऑर्डिनरी बिल को थोड़ा डिटेल में करेंगे. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के अंदर. ठीक है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ बाई कैमरियल लेजिस्लेचर. जो ऑर्डिनरी बिल है वो ओरिजिनेट होता है किसी भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से इन केस जहाँ पे बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर आएगा. ओरिजिनेट होता है इन ईदर किसी भी हाउस ऑफ दोनों में से किसी भी हाउस स्टेट लेजिस्लेचर से. जो ये बिल होगा या तो वो मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होगा उनके बाद या फिर किसी मेंबर के द्वारा. ठीक है, जैसे इसके बाद क्या होता है, जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कोई भी हाउस करेगा, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली पहले कर सकती है या लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहले किया तो उसको जो इंट्रोड्यूस करेगा या तो कोई भी मिनिस्टर होगा या कोई भी मेंबर होगा. ठीक है, उसके बाद इनकी तीन रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट पढ़े जाते हैं भी क्या ऑब्जेक्ट है इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने. सेकंड रीडिंग के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं भी इस बिल को करना चाहिए, एसेंट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये सब. थर्ड रीडिंग के अंदर क्या होता है, वोटिंग के बाद सेकंड हाउस में भेजा जाता है. इसमें वोटिंग वगैरह होगी भी इसको एसेंट दे के एट लास्ट फिर इसको दूसरे हाउस में, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में था अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा. फिर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो, अगर ना हो तो सीधा गवर्नर के पास आएगा. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम मौजूद है, अगर वहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल मौजूद नहीं है तो सीधा वहाँ गवर्नर के पास आएगा. ठीक है, उसके बाद जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है तो वहाँ पर अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल चला जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे तीनों रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेम एज वेल. और वो क्या होता है, इट में ये क्या कर सकते हैं, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस. ये पास करना ही पड़ेगा इनको जो बिल सेंट किया गया है पहले हाउस के द्वारा. और इट में पास द बिल या फिर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं फर्स्ट हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो चाहे तो. ये दो पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, पहली बात वो पास कर सकते हैं, दूसरी बात वो सेंट भेज सकते हैं. नंबर टू, इट में पास द बिल विद इन अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर द रिकंसिडरेशन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर. दोनों ये अगर ये चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल को. इट मे नॉट टेक एनी एक्शन दस कीप द बिल पेंडिंग. अगर ऐसा होता है कि वो बिल को पूरी, कभी कभी ऐसा होता है पेंडिंग करके रखा हुआ है, ना हाँ कर रहे ना ना कर रहे. अगर तीन महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी, इसको दोबारा बिल को पास करने के लिए दोबारा बिल को पास करेगी. फिर भी वो एक महीने का टाइम तक देखेगी, फिर दोबारा भी अगर जब दोबारा आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास एक महीने के अंदर उन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया तो दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया जाता है. फिर इसके बाद इसको गवर्नर के पास भेजा जाता है. और इसके अंदर सबसे बड़ा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर एक डिफरेंस ये है कि इनके स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग नहीं होती. सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जॉइंट सिटिंग होती है. ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात यहाँ पे अब मनी बिल की. मनी बिल के अंदर क्या है, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाय मिनिस्टर ओनली एंड ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात प्राइवेट मेंबर कोई भी इसको इस मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है ये. और मिनिस्टर्स करते हैं इसको, और मिनिस्टर ही करते हैं, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं करता. ऑर्डिनरी बिल को मेंबर कर सकते हैं.
और ऑन द प्राइस सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन इसमें चाहिए? गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर अगर हमने कभी भी जैसे बिल, तो देखो अगर कोई भी बिल है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दूसरे हाउस में एक बार जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या आता है, इट कांट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ना तो रिजेक्ट कर सकता है ना वो कोई चेंजेस कर सकता। कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन, सिर्फ सलाह दे सकता है। मस्ट रिटर्न टू द बिल टू द लॉ विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन, और 14 डेज के अंदर उसको जवाब देना कंपल्शन है, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ठीक है, जो रिकमेंडेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दी है। उसके बाद बोलना था गवर्नर का, गवर्नर या तो दे सकता है या फिर होल्ड करके रह सकता है, लेकिन मनी बिल को गवर्नर रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर जो लास्ट डिसीजन होगा वो स्पीकर डिसाइड करेगा कि मनी बिल है या नहीं है, और जो स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ काउंसिल, एक पॉइंट आता है जहाँ पर काउंसिल में काउंसिल इज इक्वल टू असेंबली, और एक पॉइंट आता है जहाँ पर काउंसिल इज नॉट इक्वल टू असेंबली, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इक्वल स्टेटस विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये किस चीज़ को इंट्रोड्यूस, जो जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को। हाउ एवर इन केस ऑफ डिस एग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज द विल ऑफ द असेंबली प्रिवेल्स ओवर दैट ऑफ द काउंसिल, लेकिन अगर केस आता है कि कहीं पर डिस एग्रीमेंट होगा दोनों हाउसेज का, तो उस केस के अंदर जो विल होगी असेंबली की वो प्रिवेल करेगी काउंसिल के ऊपर, ठीक है। नंबर टू, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर, जो अप्रूवल होगी किसी भी ऑर्डिनेंसेस को लेके, तो उसको भी इशूड, इनकी इशूड कौन करेगा, दोनों की, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की, गवर्नर। नंबर थ्री, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेचर, हाउएवर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द असेंबली। इसमें क्या कहते हैं, वो जो सिलेक्शन होता है किसी भी मिनिस्टर का, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मिनिस्टर का, और जो भी चीफ मिनिस्टर दोनों हाउसेस के या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होंगे, वो सब दोनों में ही सेम होएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसमें भी, ठीक है। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप, तो रिस्पॉन्सिबल लेकिन वो सिर्फ असेंबली को होंगे। उसके बाद कंसीडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे कंसीडरेशन हो गया जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की, जैसे वो कौन सी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंपटोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो कंसीडरेशन होगी रिपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की, वो इनकी जैसे होगी, ठीक है। उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये जुरिस्डिक्शन होगी उसको एनलार्ज करने की भी पावर दोनों के पास इक्वल है। अब आ जाते हैं अनइक्वल स्टेटस के ऊपर। सबसे पहला तो यही है कि मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, ठीक है। और ये मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। और ये जो है कैन ओनली डिस्कस द बजट एंड कांट वोट, ये सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकता है बजट के मामले में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो वोट नहीं करता। और जो काउंसिल है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिमूव नहीं कर सकती बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल विच हैज़ ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल, जो ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ है काउंसिल के अंदर और उसको असेंबली के अंदर भेजा गया है, इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली, द बिल एंड्स एंड बिकम डेड। अगर असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो बिल खत्म हो जाएगा। काउंसिल कैन बी अबोलिश्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द असेंबली, जो काउंसिल है वो अबोलिश भी कर सकती है बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा अबोलिश भी हो सकती है अगर असेंबली ने उसको रिकमेंड कर दिया। अब आ जाते हैं इसकी प्रिविलेजेस के ऊपर। कुछ इनको स्पेशल राइट्स हैं, इम्यूनिटी हैं, एग्जम्पशंस हैं, जो इंजॉइन करते हैं दोनों हाउसेज लेजिस्लेचर के, देयर कमेटीज एंड देयर मेंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद दीज इंक्लूड द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट एंड द स्टेट मिनिस्ट्री, इनके अंदर और पर लेकिन गवर्नर है वो ये लेजिस्लेचर की ये वाली प्रिविलेजेस को इंजॉय नहीं करेगा, ठीक है। लेजिस्लेचर प्रिविलेजेस दो पार्ट्स में डिवाइड है, कलेक्टिव
एंड नंबर टू इंडिविजुअल। कलेक्टिव के अंदर क्या है जो सभी मेंबर्स को मिल रही है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उन्हें अलग मिलती है। कलेक्टिव के ऊपर नंबर फर्स्ट, इट हैज़ द राइट टू पब्लिश्ड रिपोर्ट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड आल्सो द राइट टू प्रोहिबिट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। इसने कहा जो राइट्स जो पब्लिश किए गए हैं रिपोर्ट से डिपोजिट से लेके सारे राइट जो प्रोहिबिट किए जाएंगे दूसरों को भी ये चीज़ पब्लिश नहीं करनी सेम, ये सब इनको प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। इनके पास पूरी तरह से राइट्स है किसी भी चीज़ को पब्लिश या डिबेट्स में ला सकते हैं। नंबर टू, इट कैन एक्सक्लूड द स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग। ये स्ट्रेंजर्स को अपनी प्रोसीडिंग्स में से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, और अपने अगर उन्होंने सीक्रेट सीटिंग तैयार करनी कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर तो ये वो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही हाउसेस के लिए हैं। इट कैन मेक द रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स ओन बिजनेस एंड टू एजुकेट अपॉन सच मैटर्स। ये अपने रूल्स खुद रेगुलेट करते हैं और अपने बिजनेस को खुद कंडक्ट करते हैं एंड टू एजुकेट अपॉन सच मैटर, जो ये मैटर्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इट कैन पनिश द मेंबर एज वेल एज एन आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अगर किसी ने भी उनकी प्रिविलेजेस के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो फिर उसको वो पनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट बाय द रिप्रीमेंड एंड एडमोनिटर एंड इम्प्रिजनमेंट कुछ भी किसी तरीके से भी उनको दे सकते हैं। आल्सो सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन एक्सक्लूजन इन केस ऑफ मेंबर। एंड इट हैज़ अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट डिटेंशन कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट एंड रिलीज ऑफ मेंबर। अगर किसी इनके पास पूरी तरह से राइट है, सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं ये, जो नॉर्मल पीपल के पास नहीं होते भी, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, उसको कन्विक्ट करना है, डिटेन करना है, सब कुछ। और इट कैन इंस्टीट्यूट द इंक्वायरीज ऑर्डर एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर द रेलिवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड। अगर उनको चाहिए कोई इंक्वायरी निकालनी है किसी भी विटनेस की या फिर किसी रेलिवेंट पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो निकाल सकते हैं। द कोर्ट कैन प्रोहिबिट टू इंक्वायर इन टू द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस एंड इन कमेटी। जो कोर्ट्स हैं उनको रोका जाता है कि जो इनकी प्रोसीडिंग होती है हाउस और कमेटी की, उसके अंदर नहीं जाना इन्होंने। नो पर्सन इधर हाउस ऑफ इधर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कोई भी पर्सन इधर हाउस ऑफ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, ना अरेस्ट हो सकता है, एंड नो लीगल प्रोसेस, कोई भी लीगल प्रोसेस जैसे कि सिविल और क्रिमिनल जो है वो सर्व्ड किया जाएगा इनके अगेंस्ट विदाउट द परमिशन, जब तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन नहीं होगी तब तक इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसेस लीगल प्रोसेस शुरू नहीं किया जाएगा, ना ही इनको अरेस्ट किया जाएगा। ये थे इसकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। दे कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये अरेस्ट नहीं किए जाते जब तक कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, और 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ अ सेशन, या फिर जब 40 दिन पहले जब सेशन ऑन होने वाला है, या फिर 40 दिन बाद जब सेशन खत्म होने वाला है। दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेज। ये सिर्फ सिविल केसेज के अंदर ये प्रिविलेजेस मौजूद हैं, ना कि क्रिमिनल केसेस के अंदर और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस के अंदर भी नहीं है मौजूद, ठीक है। नंबर टू, दे हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लेजिस्लेचर। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है लेजिस्लेचर के अंदर। नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनी थिंग सैड और एनी वर्ड गिवन बाई हिम इन लेजिस्लेचर और इट्स। कोई भी मेंबर किसी भी प्रोसीडिंग की कोर्ट के अंदर लाइबल नहीं होगा जो लेजिस्लेचर या उसकी कमेटी ने दिया होगा। जो ये फ्रीडम है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये सारा प्रोसीजर जो है लेजिस्लेचर के अंदर प्रिस्क्राइब है। नंबर थ्री एंड लास्ट, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस। जूरी सर्विस जैसे दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस और अपीयर एज अ विटनेस इन अ केस, जैसे कोई केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा है तो फिर वो क्या होगा, अगर किसी कोर्ट ने बुलाया भी आ जाओ तुमने अपना एविडेंस देना या एज अ विटनेस मौजूद हो रहा है, तो फिर वो अपनी जूरी सर्विस से पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, वो नहीं, अगर उसने नहीं जाना चाहता तो वो नहीं जा सकता। ये हमारा पूरा स्टेट लेजिस्लेचर कम्प्लीट हो गया। थैंक यू।